हे आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस हाइपर रियलिस्टिक लिप्स को ड्रॉ करेंगे। ओके तो मैं सिखाऊंगा आप, मैंने टेक्सचर कैसे बनाया लिप्स का और टीथ कैसे अच्छे शेड किया। तो मैंने इसमें ब्रशो की पेंसिल यूज़ की है। आप इसका बी, 3B और 8B ले सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक, यही स्पेसिफिक ब्रांड है, या कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो 20 लगा लीजिए, एच 20 लगा लीजिए। तो बेसिक लेयर एक सबसे बढ़िया चीज़ रहती है कि और भी जो लेयर्स लगाते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक स्मूथ सा इफेक्ट आता है। तो मैंने इसमें एक सॉफ्ट नॉर्मल मेकअप ब्रश यूज़ किया है। आप इसको बहुत आराम से ब्लेंड करना, टाइम लेके, और लोअर लिप पे भी हम लोग यही करेंगे। एक बेसिक शेड दे देंगे, उसके बाद फिर ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब 3B पेंसिल से इसका सेकेंड लेयर स्टार्ट करते हैं। तो अपर लिप का थोड़ा लोअर पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से और डार्क करेंगे हम लोग, और अपर लिप का थोड़ा सेंटर पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा। तो इसका भी हम लोग ने एक फर्स्ट लेयर, एक मतलब एक सेकेंड लेयर दे दिया है, एक लेयर दे दी है इसकी 3B पेंसिल की। तो अब इसको ब्लेंड करेंगे भाई नॉर्मल मेकअप ब्रश से। तब एक और लेयर 8B से लगाएंगे हम लोग। हम लोग 8B से बेसिकली दो लेयर लगाएंगे, क्योंकि 8B की पेंसिल मेरे पास ये डार्क नहीं है ब्रशों की। तो मैं 8B की दो लेयर लगाऊंगा इसमें, और अपर लिप का लोअर पार्ट पर ज़्यादा डार्क होगा, तो मैं उसको ध्यान रखना। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो जो लिप्स है वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। और सारी फ़ोटो के अकॉर्डिंग होता है, आप जो भी रेफरेंस फ़ोटो चूज़ करते हो उसके हिसाब से होता है वैसे। तो अब एक और लेयर लगाएंगे हम लोग 8B की। वही सेम प्रोसेस है, पहले एक बेसिक लेयर, उसके बाद फिर आप हल्का हल्का शेड दे सकते हैं। और जो अनवांटेड लाइंस हैं, जैसे ये अपर लिप की सेंटर में एक अनवांटेड लाइन है और एक डॉट है, तो उसको आप किसी भी एरिया से हटा सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर मत लगाने जैसे, वरना वो फिर बहुत अलग सा लगने लगेगा वो। तो फाइन लाइंस के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और या तो फिर आप 5B या 8B बिल्कुल शार्प्ड, अच्छे से शार्प करके पेंसिल यूज़ करना लाइंस के लिए। और एक एक लाइन आप बहुत अच्छे से रेफरेंस के फ़ोटो के अकॉर्डिंग के आप ड्रॉ करना नहीं, और स्मॉल स्मॉल लाइंस आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो स्मॉल स्मॉल लाइन जो ये है आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने हिसाब से रैंडम ड्रॉ की थी, तो मैंने फोटो अच्छे से ऑब्जर्व करके नहीं की थी। और कुछ लाइन्स बहुत ज़्यादा डार्क होंगी, तो आप उसको रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पे ज़्यादा डार्क होनी है। क्योंकि अगर आप रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक नहीं बनेगा। तो अब लोअर लिप पे आते हैं। तो लोअर लिप का अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों की तरफ ही शेड होगा, क्योंकि लोअर लिप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब बाहर निकला है, तो आप उसको सही से देख लो।
तो फर्स्ट लेयर लगाने के बाद फिर से एक बी की, तो मैं उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। तो अब सेकेंड लेयर जो 3 बीस लगाओ, और सेकेंड लेयर भी और लोअर लिप के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट दोनों पे, दोनों पे करें। और राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए। और इस वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है, लेफ्ट साइड वाले अपर पार्ट लोअर लिप के अपर पार्ट पे ज़्यादा डार्क मत करना, क्योंकि वहाँ पे चाकू पेंसिल यूज़ होगी तो आप ज़्यादा मत करना, क्योंकि वो बहुत ख़राब लगेगा। तो अब इसकी लाइन के बाद करते हैं, फिर से आप कोई मैकेनिकल पेंसिल या आप शार्प पेंसिल यूज़ कर सकते हो, 3B या 8B जो आपको यूज़ करना, लेकिन शार्प करना। और जो इसकी शेडिंग हम लोग करेंगे वो बिल्कुल एक ब्लंट पेंसिल यूज़ करना है उसके लिए। अगर आप उसके शार्प पेंसिल यूज़ करोगे तो उसमें स्ट्रोक्स देखेंगे ख़राब लगेगा। और हाईलाइट्स के लिए टॉमो मोनो इरेजर यूज़ कर सकते हो या इलेक्ट्रिक इरेजर। और अगर आपको आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप पहले टॉमो मोनो से एक बार एक लाइन दे दें, उसके बाद फिर वाइट जेल पेन यूज़ करें तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा लाइट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीडेड इरेजर थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। तो वाइट जेल पेन से वही जो लाइंस टॉमो मोनो इरेजर से बनाई थी, वही लाइंस आपको फिर से वाइट से ही शेड करनी। तो अब जैसे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ आपको वैसे ही शेड करना है। उससे क्या होगा, मतलब जो लाइंस है वो बहुत अच्छे से दिखेंगे। जैसे ये देखिए, जैसे जैसे ये एक लिप्स की लाइन है, तो आपके कॉर्नर कॉर्नर्स में थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है और सेंटर में थोड़ा लाइट रहना है। तो उससे क्या मतलब बहुत रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। और आपको ब्लेंड भी कॉर्नर से करना है, ये नहीं कि अगर आप एक कॉर्नर से जा रहे हो तो बीच में दोनों से जाओ तो बहुत खराब हो जाएगा। फिर आपको दोनों कॉर्नर से ब्लेंड करके चलना है। तो इसमें भी आप मैकेनिकल पेंसिल या एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो बहुत आराम से करना, और अगर नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हो तो कोई शार्प ना हो, ब्लंट हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे स्ट्रोक नहीं आएंगे ज़्यादा। आप इसको ब्लेंड भी आप ब्रश से कर सकते हैं या तो फिर एक पेपर स्टम्प से कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैं इसमें शेड दे रहा हूँ, आपको रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग आपको शेड देना होगा। अगर आप रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग शेड नहीं दोगे तो बहुत ख़राब लगेगा। अगर आप यही वाली पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो फिर आप मेरा ट्यूटोरियल अच्छे से देखना। और ऊपर भी हम लोग वाइट जेल पेन पहले यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पर मैंने टॉमो मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट दी थी। और अपर लिप का राइट साइड थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, तो उसमें हम 10B पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने 10B पेंसिल डॉम्स की यूज़ की है, थोड़ी ज़्यादा वो ब्रश से थोड़ी ज़्यादा डार्क होती है। और आर्ट लाइन की आप यूज़ करेंगे तो और अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा डार्क होती है। तो अपर लिप वाले में थोड़ा सा शेड वाला मैं थोड़ा पार्ट थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। 2000 years later. तो टंग वाले पार्ट में एक पहले 20 एक शेड देंगे, और फिर अब एक शेड देने के बाद हम लोग टीथ पे चलेंगे। तो टीथ में हम लोग 20 एक पहली लेयर देंगे, तो उसको इसको भी हम लोग जो ब्लेंड कर देंगे वो टीथ के एजेस से करेंगे। अगर आप बीच में ब्लेंड कर दोगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर टीथ वाला टेक्स्चर नहीं आएगा। तो आपको भी टीथ के बिल्कुल एजेस से आपको ब्लेंड करना है और वहीं से शेड देना है। और टीथ का टेक्सचर लाने के लिए टॉमो मोनो जीरो एजर यूज़ कर सकते हैं, और वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाईलाइट से वाइट कट लगी। तो इस टीथ में देखिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो एक पहली लेयर दी है 20 से मैंने, और ब्लेंड किया इसको। ब्लेंड भी आपको वर्टिकली करना है। और मैंने यहाँ पर जो दिया है HB से शेड,
या 8B से, 8B से भी इस वाले पेंसिल 8B सही है। तो आपको एजेस से देना है टीथ के, आपको सेंटर से नहीं देना कहीं। सेंटर से अगर आप देंगे तो टीथ का वो टेक्सचर नहीं आएगा, और टीथ का वो टेक्सचर लाइंस लाने के लिए उसको आप एक नॉर्मल HB पेंसिल या एक B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप टोमोवन सीरीज से हाईलाइट दे सकते हैं, जैसे ये लाइंस, और फिर आप फिर से एक HB पेंसिल से एक लाइन दे सकते हैं, तो बहुत एक अच्छा टीथ का टेक्सचर आ जाएगा। जैसे मैं फिर से बी की लेयर दी इसमें, फिर मैंने एजेस से थोड़ा सा डार्क किया, और इस वाले टीथ में जो है उसमें ऊपर के अपर लिप की थोड़ा सा शेडो पड़ रहा है, तो अपर लिप को भी थोड़ा इसमें एक शेडो देनी होगी। तो उसको आप ग्रेफाइट पाउडर से दे सकते हो, चारकोल पाउडर या ग्रेफाइट पाउडर से, ग्रेफाइट पाउडर से शेड दे सकते हो, या फिर आप पेंसिल से ही शेड दे सकते हैं। तो टीथ के एजेस से ही देना है, और टीथ का टेक्सचर लाने के लिए टोमोमो जीरो इरेजर और एक बी पेंसिल या जी पेंसिल यूज़ करते हैं, और फिर हाईलाइट्स के लिए वाइट जेल पेन, और फिर इस टीथ में वैसे ही करना है सेम। और माउथ करने वाले पार्ट के लिए मैंने कैमलिन सॉफ्ट पेंसिल यूज़ की है, बिल्कुल डार्क करना है उसमें कोई वो नहीं है। और टंग ले आप फिर से एक जो चाकोल साइड साइड में लगा हुआ है ऊपर, उसी को आप ले लेके उसको ब्लेंड करो साइड से, क्योंकि वहाँ से एक टंग का बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, वहाँ से तो ब्लेंड दिख रहा है। तो ये जो लाइन्स मैं बना रहा हूँ ये इसमें है रेफरेंस इमेज में, और यहाँ पर लोअर लिप की तरफ यहाँ पर तो आप चाकोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं या ग्रेफाइट पाउडर जो आपको ईजी लगे। चाकोल पाउडर ज़्यादा सही रहेगा, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करेंगे तो उतना सही नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेफाइट नीचे लोअर लेवल में यूज़ हो चुका है, तो अब चाकोल यूज़ और अच्छा आएगा, रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा बिल्कुल। और इसको सही से ब्लेंड कर लेना, और टंग को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सही से, क्योंकि रेफरेंस इमेज के थ्रू मैंने अच्छे से ड्रॉ किया था। तो आप सही से अगर यही वाली इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो आप रेफरेंस इमेज को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना, और लिप सॉरी टंग के टेक्सचर को आप ड्रॉ करो तो आप फिर टोमोमो जीरो या बैट इलेक्ट्रिक इरेजर से आप इसका टेक्सचर दे सकते, और फिर ब्लेंड कर लीजिए हल्का सा नॉर्मल ब्रश से। और वाइट जेल पेन लास्ट में यूज कर सकते हो एक हाईलाइट देने के लिए। Oh man!